नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सेटार्क ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मेरा नाम गौरव रंजन है और उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य भी कर रहे होंगे आज मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करने आया हूँ भारत के परिवहन से संबंधित भारत के परिवहन नाम का जो टॉपिक है यहाँ से भी हर एक वर्ष कोई किस प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है ठीक है तो बिना किसी देरी के लंबा टॉपिक है तो इस लंबे टॉपिक में मैंने कुछ मैं हाथ से लिखूंगा और कुछ मैं पी डी का भी सहायता लूंगा और ये पी आपको जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अब से कुछ देर बाद यह पी आपको मिल जाएगी इसके लिए आप निष्फिक्र रहिएगा ठीक है चलेगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिवहन की तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ परिवहन की अर्थात ट्रांसपोर्ट की तो परिवहन का अर्थ क्या होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन को हम परिवहन कहते हैं है, है ना आपको अगर एक स्थान से जैसे आपको कोई त्यौहार है आप किसी त्यौहार में अपने घर से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं या किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं तो अपने घर आना चाहते हैं तो हम किसी न किसी साधन का उपयोग करेंगे आप सड़क मार्ग से आएंगे या हो सकता है विदेश में रहते हैं तो वायुयान से उड़कर आएंगे या रेल के माध्यम से आएंगे या जल परिवहन के के माध्यम से आएंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जिन संसाधनों का हम उपयोग करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं परिवहन क्या कहते हैं परिवहन या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को हम परिवहन की प्रक्रिया कहते हैं ठीक है अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चार संसाधनों का या चार साधनों का उपयोग कर सकते हैं हम और आप या तो सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तो इस परिवहन को नाम दे दिया गया सड़क परिवहन क्या नाम दे दिया गया सड़क परिवहन या फिर सड़क के साथ साथ हम रेल के माध्यम से भी रेल परिवहन के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तो हो गया रेल परिवहन इसके अलावा जल परिवहन होता है इसके अलावा कौन सा परिवहन होता है जल परिवहन जो कि सबसे सस्ता परिवहन होता है जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन और उसके बाद सबसे सबसे हम कह सकते हैं महंगा है ना सबसे महंगा परिवहन वह होता है सड़क और रेल दो ही परिवहनों का किया है। ना तो एरोप्लेन में बैठा हूं ना ही कभी पानी वाले जहाज में नाव में बैठा हूं लेकिन पानी वाले जहाज की यहां पर बात हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया की बात हो रही है ठीक है तो यही परिवहन के चार साधन होते हैं इन्हीं को हमें एक एक से पढ़ना है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सड़क परिवहन की तो सड़कें तो कई प्रकार की होती हैं एक ऐसी सड़क जो किसी गांव तक सीमित है उसको हम ग्रामीण सड़क कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने नाम सुना होगा आपने दे, देखिएगा आप अपने गांव में देखिएगा सड़क बनी होगी और वहां पर एक बोर्ड लिखा होगा लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो ऐसी सड़कें जिनका विस्तार केवल गांव तक सीमित होता है ग्राम सड़क अगर किसी सड़क का विस्तार आपके जिले तक सीमित है तो उसे हम कहते हैं जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट हाईवे कहते हैं दी दी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवे ऐसी सड़क मार्ग जिनका विस्तार एक राज्य तक ही सीमित रहता है उन्हें हम स्टेट हाईवे यानी राजकीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं राजकीय राजमार्ग और ऐसे सड़क मार्ग जो दो या उससे अधिक ऐसे सड़क मार्ग जो दो या उससे अधिक राज्यों से होकर गुजरेंगे उनको हम कहते हैं एनएच नेशनल हाईवे तो हमें सड़क परिवहन के अंतर्गत एनएच ही पढ़ना होता है यही से सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न बनते हैं ठीक है आइएगा तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग डालता हूं राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे तो एन एच अगर मैं लिख दूंगा तो इतने से आपको समझ में आ जाएगी बात है ना तो एनएच की डेफिनेशन क्या होती है दो या उससे अधिक दो या उससे अधिक दो या उससे अधिक दो या उससे अधिक राज्यों से होकर दो या उससे अधिक राज्यों से होकर राज्यों से होकर गुजरने वाले सड़क मार्ग को गुजरने वाले सड़क मार्ग को गुजरने वाले सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है क्या कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है ठीक है ऐसे सड़क मार्ग जो दो या उससे अधिक राज्यों से होकर गुजरे उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे एनएच नेशनल हाईवे ठीक है वर्तमान समय में भारत में लगभग 250 प्लस यानी ढाई के आसपास क्या है एनएच है प्रत्येक एनएच को पढ़ना संभव नहीं है तो जो सबसे लंबे हैं या जिनसे बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उन्हीं पर हम अध्ययन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एन एच एक की एन एच वन एन एच वन और एन एच टू है ना? एन एच वन और एन एच टू की बात होती है सबसे पहले अगर हम एन एच वन की बात करते हैं तो एन एच एक जो है यह दिल्ली को दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है एन एच एक दिल्ली को कहाँ से जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है दिल्ली को कहाँ से जोड़ता है तो यह दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है तो एनएच एक दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है और वहीं पर एन एच दो जो है वह दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है दिल्ली को कोलकाता से दिल्ली को कहां से जोड़ता है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है एनएच दो दिल्ली को कहां से जोड़ता है तो एनएच दो जोड़ता है दिल्ली को कोलकाता से ठीक है एम एम और एनएच दो एक साथ ही साथ एनएच दो को सम्मिलित रूप से को सम्मिलित रूप से एनएच एक एवं एनएच दो को सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से ग्रां ट्रंक रोड अर्थात जी टी रोड कहा जाता है क्या कहा जाता है जीटी रोड रोड ट्रंक रोड कहते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था कहते हैं पक्की करने का कार्य ट्रंक महोदय ने किया था इसलिए जीटी रोड ठीक है एक यहाँ पर नोट लगा मैं लिख दे रहा हूँ एन एच दो या दिल्ली से कलकत्ता जब जाएगा तो दिल्ली है ना आगरा मथुरा ठीक ना कानपुर इलाहाबाद से होकर गुजरता है यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे एन का नाम बताइए तो एनएच दो लेकिन अब इस एनएच दो का नाम चेंज हो गया है और अब एन दो का नाम हो गया है एन उन्नीस क्या हो गया है अब इस एन दो का नाम एन उन्नीस हो गया है तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक मैं नोट लगा देता हूँ और नोट में याद रखिएगा एनएच दो का परिवर्तित नाम एनएच का परिवर्तित नाम एनएच दो का परिवर्तित नाम एन एच उन्नीस है एनएच उन्नीस है एन एच दो का परिवर्तित नाम क्या है एन एच दो का परिवर्तित नाम है एन एच उन्नीस इसको याद रखिएगा ठीक है तो एन एच एक और एन एच दो की बात हुई अभी तक एन एच तीन है, है पूछा जाता है एनएच तीन एनएच तीन याद रखिएगा यह या मुंबई को आगरा से जोड़ता है एनएच तीन मुंबई को कहां से जोड़ता है मुंबई को आगरा से जोड़ता है मुंबई को आगरा से मुंबई को आगरा से जोड़ता है एन तीन मुंबई को कहां से जोड़ता है तो एनएच तीन जोड़ता है मुंबई को आगरा से याद रखिएगा ठीक है चलेगा एक नोट्स आपको मिल जाएगा बना लीजिएगा जल्दी जल्दी से इसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट है एनएच चवालीस जो एन एच चवालीस है एनएच चवालीस यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है एन एच चवालीस श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है किससे जोड़ता है श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से श्रीनगर को कहां से जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है एन एच चवालीस ठीक है श्रीनगर को कन्याकुमारी से और वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एनएच है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एनएच है भारत का सबसे लंबा एनएच है वर्तमान समय में भारत का क्या है सबसे लंबा एनएच है अगर आप पूछेंगे सर एन की लंबाई बता दीजिएगा देखो एन की लंबाई चौड़ाइयाँ आपको याद नहीं रखनी है क्यों याद नहीं रखनी है क्योंकि ये परिवर्तनशील होती है आए दिन इनकी हाई इनकी ऊंचाई में या सॉरी इनकी लंबाई में आए दिन क्या हो जाते हैं परिवर्तन वर्तमान समय में इतना याद रखिएगा इसकी लंबाई लगभग उनतीस किलोमीटर के आसपास है एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद नहीं रखनी है ठीक है एन एच चवालीस हो गया एन एच चवालीस का एक उपभाग है उपभाग क्या होते हैं अभी मैं समझा दूंगा एन एच चवालीस और चवालीस का पहला पार्ट है एक एन एच चवालीस एक का मतलब क्या होता है समझो मान लीजिएगा ये कोई एक सड़क मार्ग जा रहा है यहाँ से एक कोई सड़क मार्ग जा रहा है इसका नाम है एन ना एच चवालीस यहाँ से जो सड़क मार्ग जा रहा है इसका नाम क्या है इसका नाम है एन ना एच चवालीस यह सड़क मार्ग जब आगे जा रहा है तो यहाँ से एक और सड़क मार्ग इससे निकाला गया और ये सड़क मार्ग यहाँ पर आकर जोड़ दिया गया ठीक है एक सड़क मार्ग निकाला गया और इस सड़क मार्ग यहाँ पर आकर क्या कर दिया गया इस सड़क मार्ग को यहाँ पर आकर जोड़ दिया गया इस प्रकार से ठीक है समझिएगा यहाँ से एक सड़क मार्ग निकाला गया और इस सड़क मार्ग यहाँ पर आकर क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया तो एन एच चवालीस था इसी से यहाँ पर एक बाईपास गया और यही सड़क आगे आकर फिर से जुड़ गई तो यही इसका एक उपभाग हो गया तो इसको नाम दे देंगे एन एच चवालीस चवालीस के अंतर्गत है एक मान लीजिएगा आंगी चलकर फिर ऐसा ऐस बनाएंगे तो एन एच चवालीस दो हो गया फिर और आंगी बनाते हैं तो एन एच चवालीस तीन हो गया इस प्रकार से नंबरिंग करते रहेंगे ठीक है जो एन एच चवालीस एक है यह जम्मू कश्मीर में है एन एच चवालीस एक जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में है और इसी में और इसी में भारत की भारत की सबसे लंबी सुरंग इसी में भारत की सबसे लंबी सुरंग अब देखो अब याद रखना भारत की अगर सबसे लंबी सुरंग अगर आप जवाहर सुरंग बताएंगे तो तो अब गलत है वो वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है चेनानी नासरी ठीक है तो जम्मू कश्मीर में और इसी में भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी चेनानी नासरी निर्मित है चेनानी नासरी निर्मित है जिसमें भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी निर्मित है ठीक है लंबाई की बात करें चेनानी नासरी की लंबाई तो लंबाई भी याद रखिएगा, चेनानी नासरी की जो लंबाई है वह लगभग लंबाई लगभग नौ दशमलव एक किलोमीटर लंबाई याद रखिएगा, लगभग कितनी है नौ दशमलव एक किलोमीटर है ठीक है एन एच चवालीस हो गया उसके बाद एन एच सैतालीस एक एन एच सैतालीस एक आपको मैंने झीलें पढ़ाई है उसी में मैंने पढ़ाया था एनएस एक केरल की झील में स्थित है केरल की वेवनाद केरल की वेवनाद झील में स्थित है केरल की बेवनाथ झील में स्थित है केरल की यह भारत का सबसे छोटा यह भारत का सबसे छोटा यह भारत का सबसे छोटा एनएच है यह भारत का सबसे छोटा एनएच है एवं इसकी लंबाई एवं इसकी लंबाई एवं इसकी लंबाई, एवं इसकी लंबाई, एवं इसकी लंबाई। मात्र एवं इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है तो ये भारत का सबसे छोटा एनएच है जिसकी लंबाई कितनी है जिसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर ठीक है याद रखिएगा उसके बाद अब भारत का सबसे लंबा पुल अभी तक अगर आपको गांधी सेतु याद होगा तो वो अब गलत हो गया अब भारत का वर्तमान समय में भारत का जो सबसे लंबा सेतु है यानी पुल है उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल कौन सा पुल है भूपेन हजारिका पुल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर लोहित पर भूपेन हजारिका पुल निर्मित है भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका पुल निर्मित है भूपेन हजार का पुल निर्मित है यह भारत का भारत का सबसे लंबा पुल है भारत का सबसे लंबा पुल है यह भारत का सबसे लंबा पुल है इसकी लंबाई इसकी लंबाई लगभग इसकी लंबाई लगभग नौ दशमलव दो जीरो किलोमीटर है इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई याद रखेगा इसकी लंबाई नौ दशमलव दो जीरो किलोमीटर है ठीक है किन दो स्थानों को जोड़ता है तो असम के असम के सदिया को असम में एक स्थान है सदिया असम के सदिया को अरुणाचल के अरुणाचल के ढोला शहर से जोड़ता है अरुणाचल के ढोला एक शहर है ढोला से जोड़ता है असम के सदिया को अरुणाचल के ढोला से जोड़ता है इसलिए इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं इसलिए इसे एक नाम दिया जाता है इसलिए इसे ढोला सदिया पुल ढोला सदिया पुल भी कहते हैं क्या नाम दिया जाता है इसको एक नाम दिया गया ढोला सदिया पुल भी कहते हैं क्या नाम दिया गया ढोला सदिया पुल ठीक है पूछा जाता है कि ढोला सदिया पुल किस पुल का नाम है तो भूपेन हजारिका पुल का ही नाम है ढोला सदिया पुल ठीक है बना लीजिएगा बन जाए तो मुझे बताओ ठीक है आगे बढ़े तो देखो इसमें पूरे के पूरे फैक्ट है सारी चीजें फैक्चुअल चीजें हैं ठीक है आइएगा एक परियोजना आपको समझानी है मुझे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम एन मतलब हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं विकास और पी कमला हो गया प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है इसके अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है इसके अंतर्गत भारत के चार महानगरों को जोड़ते हुए एक सड़क बनाई गई है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग कहते हैं जिसे क्या कहते हैं जिससे नाम दिया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग देखिएगा यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग नाम दिया जाता है यहाँ देखिएगा यहाँ पर एक शहर है इस शहर का नाम है दिल्ली यहाँ पर एक शहर है जिस शहर का, का नाम है एम मुंबई यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सी मतलब चेन्नई और यहाँ पर एक शहर है के मतलब कलकत्ता इन चार महानगरों को जोड़ते हुए सॉरी इन चार महानगरों को जोड़ते हुए एक सड़क मार्ग बनाई गई है और इन चार महानगरों को जोड़ते हुए जो सड़क मार्ग बनाई गई है उस सड़क मार्ग को क्या कह क्या कहा जाता है इस सड़क मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग है और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग है पांच हजार आठ सौ छियालीस किलोमीटर लंबा है किलोमीटर कितना है पांच हजार आठ सौ छियालीस किलोमीटर इसकी क्या है इसकी लंबाई है ठीक है तो ये सड़क मार्ग याद रखिएगा किसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष दो हजार दो हजार दो में प्रारंभ की गई योजना है और इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्रारंभ किया था अटल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी अटल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी प्रारंभ की गई किसके द्वारा अटल सरकार के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वह किससे संबंधित थे वह थे हमारे सड़क परिवहन सड़क प्रणाली से संबंधित प्रश्न थे आइए अब सड़क परिवहन के बाद हम लोग बात करते हैं रेल परिवहन की अगर रेल परिवहन के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर पहले से मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं क्योंकि सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं तो लिखने से क्या होता है समय की एक तो हमारी बचत होगी और आसानी से हम लोग चीज़ें समय लेंगे तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेल परिवहन की तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रेल परिवहन के लिए रेल परि भारत में रेल परिवहन का जनक जो है डलहौजी महोदय को कहा जाता है लिखा है सर्वप्रथम सन अठारह में डलहौजी के शासनकाल में भारत की पहली रेल चलाई गई थी तो अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले रेल प्रणाली किस गवर्नर के शासनकाल में प्रारंभ हुई डलहौजी के शासनकाल में कब हुई तो अठारह में प्रारंभ हुई थी ठीक है यह रेल मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई खूब सारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह रेल कहां से कहां के मध्य चलाई गई तो यह रेल मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई है और इसने मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी मुंबई से थाने के मध्य की जो दूरी है वो लगभग कितनी है 34 किलोमीटर की और उसी दूरी को तय किया गया था भारत की पहली रेल के द्वारा रेल का नाम भी याद रखिएगा इस रेल का नाम ब्लैक ड्यूटी था साथ ही साथ में यह रेल विद्युत से चलने वाली रेल नहीं थी बल्कि यह रेल कोयला से संचालित होने वाली रेल थी तो भारत की पहली रेल जो कि मुंबई से था के मंदिर में चलाई गई थी वह कौन सी प्रक्रिया से चलती थी मतलब विद्युत से चलती थी या कोयला से चलती थी या स्टीम के माध्यम से चलती थी तो याद रखिएगा कोयला से संचालित होने वाली रेल थी और रेल का नाम क्या था रेल का नाम था ब्लैक ड्यूटी रेल का नाम थे क्या था तो इस रेल का नाम था आपका ब्लैक ड्यूटी आइएगा उसके बाद देखिएगा 1925 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में भारत की पहली विद्युत रेल चलाई गई तो भारत में सबसे पहले तो कोयला रेल चलाई गई थी जिसका नाम ब्लैक ड्यूटी था उसके बाद 1925 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में भारत की पहली कौन सी रेल चलाई गई भारत की पहली विद्युत रेल चलाई गई यह रेल मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी यह रेल मुंबई से कोर्ला के मध्य चलाई गई मतलब दोनों रेल है चाहे आपकी कोयला से संचालित रेल हो चाहे आपकी कौन सी संचालित रेल हो कोयला से या फिर किससे संचालित रेल हो या फिर संचालित हो बिजली से दोनों ही आपकी महाराष्ट्र में चलाएंगे एक मुंबई से थाडे के मध्य में तो दूसरी मुंबई से कुरला के मध्य ठीक है इस रेल का नाम याद रखिएगा इस रेल का नाम क्या था इस रेल का नाम डेक्कन क्वीन था क्या नाम था तो इस रेल का नाम था डेक्कन क्वीन उन्नीस में इंदिरा गांधी सॉरी यहां पर ये आंकड़ा गलत लिखा है उन्नीस में 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की पहली मेट्रो रेल चलाई गई और ये भारत की जो मेट्रो रेल थी यह कलकत्ता में भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ थी कलकत्ता में टोलीगंज से एक जगह है टोलीगंज कलकत्ता में टोलीगंज से दमदम के मध्य चलाई गई थी टोलीगंज से दमदम के मध्य चलाई गई दमदम के मध्य चलाई गई थी ये याद रखिएगा दम दम के मध्य चलाई गई थी इसको आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो इतनी सारी बातें आपको किसके अंतर्गत याद रखनी है रेल परिवहन के अंतर्गत याद रखनी है ठीक है और देखिएगा भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेल पूछी जाए तो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेल वंदे भारत है वंदे भारत को ही ट्रेन 18 कहा जाता है और इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है अब तो कई सारी वंदे भारत रेलें चल रही हैं लेकिन जो भारत की पहली वंदे भारत रेल थी वह किस किस के मध्य चली थी वह चलाई गई थी आपकी दिल्ली से वाराणसी के मध्य किसके मध्य चलाई गई थी तो याद रखिएगा भारत की पहली वंदे भारत रेल दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के मध्य एक किलोमीटर प्रति हबर से चलती है पहली वंदे भारत रेल दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई और यह वंदे भारत जो रेल है इसका निर्माण मेड इन इंडिया के अंतर्गत किया गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वंदे भारत ट्रेन का निर्माण मेड इन इंडिया के अंतर्गत किया गया था भारत की सबसे दूरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल पूछी जाए तो इस रेल का नाम क्या है इस रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है कन्याकुमारी कहाँ है तो यह शायद मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि कन्याकुमारी आपका कहाँ है कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में कहां पर है कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में ठीक है आइएगा उसके बाद केरल के कोचीन में भारत की पहली जल मेट्रो चलाई गई है मतलब पानी में मेट्रो रेल चलाई जा रही है तो यह कहां पर चलाई गई है केरल के कोचीन में जापान के सहयोग से अहमदाबाद से मुंबई के मध्य भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना है अब ये योजना देखिएगा कब तक पूर्ण हो पाती है लेकिन अगर पूछा जाए बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है तो वह प्रयास किया जा रहा है किसके माध्यम से जापान के सहयोग से एक यहाँ पर कोंकण रेलवे आपसे पूछता है कोंकण रेलवे तीन राज्यों से होकर गुजरता है कौन कौन से महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मुंबई से प्रारंभ होता है गोवा और कर्नाटक में किस शहर तक इसका विस्तार है मंगलौर तक यह चलता है भारतीय रेलवे को उसके बाद लिखा है कि संपूर्ण भारतीय रेलवे को कितने मंडल में विभाजित कर दिया गया तो मंडलों की संख्या कितनी है मंडलों की संख्या अठारह कितने मंडल में अठारह और इन अठारह मंडल में से दो मंडल उत्तर प्रदेश में है एक एनसीआर यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है जो अब प्रयागराज कहलाता है और एक एनई आर है उत्तर पूर्वी रेलवे जिसका मुख्यालय कहां है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में जिसका मुख्यालय कहां है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में ठीक है तो इतनी सारी जो बातें थी वो किससे संबंधित थी वो सभी बातें संबंधित थी किससे आपकी आपके रेल परिवहन अब रेल परिवहन के बाद आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं जल परिवहन की तो देखिएगा जल परिवहन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं जल परिवहन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे ठीक है जल परिवहन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पानी वाले जहाज़ों का कहां पर इनको खड़ा किया जाता है तो जल परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले जैसे एन एच होते हैं वैसे ही एन डब्लू होते हैं जैसे एन एच होते हैं वैसे ही क्या होते हैं एन डब्लू होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक की बात करता हूँ मैं एनडब्ल्यू एक है ना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक अर्थात सबसे पहले बात करता हूँ एनडब्ल्यू एक की किसकी बात करता हूँ एनडब्ल्यू एक की एन एक जो है यह गंगा नदी पर निर्मित है एनडब्लू एक किस पर निर्मित है यह गंगा नदी पर निर्मित है गंगा नदी पर निर्मित एनडब्ल्यू एक किस पर निर्मित है गंगा नदी पर निर्मित है एनडब्ल्यू किस पर निर्मित है तो एनडब्ल्यू गंगा नदी पर निर्मित है पहली बात दूसरी बात एनडब्ल्यू इलाहाबाद को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बखूबी जान रहे हैं इलाहाबाद को कहां से जोड़ता है हल्दिया और हल्दिया कहां पर है आपका हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है इलाहाबाद को हल्दिया हल्दिया कहां पर है तो हल्दिया के बारे में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है इलाहाबाद को कहां से जोड़ता है तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है कौन सा एनडब्ल्यू वन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा जलमार्ग भारत का सबसे लंबा जलमार्ग ठीक है अगर लंबाई की बात करें भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और अगर लंबाई की बात करी जाए तो लंबाई याद रखिएगा कितनी है लगभग 1620 सौ बीस किलोमीटर कितनी है तो इसकी जो लंबाई है वो है लगभग कितनी 1620 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे अभी देखो ये चर्चा में भी रहा था गंगा बिलास नाम का एक क्रूज इसमें चलाया गया था है ना पश्चिम बंगाल से कहा से हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक आया था ठीक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो कहिएगा या इसी को आप एनडब्ल्यू टू कहिएगा एनडब्ल्यू टू यह ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है यह किस नदी पर है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है किस नदी पर है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह असम के सदिया को असम के सदिया को अरुणाचल के ढोला से है। जोड़ता है सॉरी असम के सदिया को अरुणाचल के धुबरी से जोड़ता है ढोला से तो चेनानी ने सारी जोड़ती है अरुणाचल के असम के सदिया को अरुणाचल के धुबरी धुबरी से जोड़ता है किससे जोड़ता है धुबरी धुबरी नामक स्थान है उससे जोड़ता है सदिया को धुबरी से जोड़ता है ठीक है भारत का दूसरा सबसे लंबा भारत का दूसरा सबसे लंबा भारत का दूसरा हाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा दूसरा सबसे लंबा एनडब्ल्यू ठीक है दूसरा सबसे लंबा एनडब्लू आप देखिएगा गंगा नदी पर है गंगा एक सदाबहार नदी है ब्रह्मपुत्र नदी पर ये भी ब्रह्मपुत्र नदी है दक्षिण भारत की नदियों में भी एनडब्लूओ का विकास किया गया है जलमार्गों का विकास किया गया है लेकिन चूंकि वहां जो नदियां पायत हो रही हैं दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं उन नदियों में क्या है वर्ष भर जल तो पाया नहीं जाता है जब वहां की नदियों में वर्ष भर जल नहीं पाया जाता है तो जलमार्गों का बहुत अच्छे से समुचित रूप से विकास नहीं हो पाया है तो आपको दो ही याद रखने वैसे तो भारत में पांच है ठीक है दो ही याद रखिएगा जन जलमार्गो के प्रबंधन के लिए भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय याद रखिएगा नोएडा में है जलमार्गों के प्रबंधन के लिए है भारतीय अंतरदेशीय अंतरदेशीय का मतलब होता है जो जलमार्ग देश के अंदर बनाए गए भारतीय अंतरदेशीय भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय इसका याद रखिएगा इसका मुख्यालय नोएडा में है इसका मुख्यालय याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप कहेंगे सर एक मुख्यालय नोएडा में है कहां पर है है पर नोएडा ठीक अब ये तो अंतरदेशीय जलमार्ग के बारे में बात होगी नदियों के बारे में साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में विशाल विशाल बंदरगाह बनाए गए बंदरगाह का मतलब क्या होता है बंदरगाह जिसको इंग्लिश में सी पोर्ट बोलते हैं जहां पर पानी वाले जहाजों को खड़ा किया जाता है जहां पर पानी वाले जहाज हम किसी दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं आयात निर्यात की प्रक्रिया कर रहे हैं तो सबसे सरल और सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन होता है तो जहाँ पर बड़े बड़े पानी वाले जहाज खड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वंदरगाह वर्तमान समय में भारत में 200 से अधिक बंदरगाह है लेकिन 200 सौ आपको नहीं पढ़ने हैं तेरह बड़े बड़े बंदरगाह हैं जहाँ से हमेशा एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पूछता है तो केवल मैं तेरह बड़े बड़े बंदरगाहों के बारे में आपसे बात करने चल रहा हूं तो हेडिंग लगाइएगा भारत के बंदरगाह और भारत के बंदरगाह के अंतर्गत तेरह बंदरगाह आपको मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जामिनर इनको पूछता है ठीक है यहां पर एक बंदरगाह है और यहां पर जो बंदरगाह है इसका नाम क्या है इसका नाम है कांडला कांडला बंदरगाह और कांडला बंदरगाह कहां पर है तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है दीनदयाल उपाध्याय वंदरगाय नाम है अब इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय वंदरगाय कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय वंदरगाय इसका नाम चेंज हो गया है और अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय वंदरगाय के नाम से जाना जाता है कांडला गुजरात में उसके बाद यहां पर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में दो बंदरगाह आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र में दो बंदरगाह आपको याद रखने हैं एक बंदरगाह का नाम क्या है एक बंदरगाह का नाम है मुंबई जब मुंबई बंदरगाह पर अत्यधिक भीड़भाड़ होने लगी तो मुंबई से थोड़ी सी दूरी पर एक नए बंदरगाह का विकास किया गया जिसका नाम क्या है जिसका नाम है नहावा सेवा इस बंदरगाह का नाम क्या है इस बंदरगाह का नाम है नहावा सेवा बंदरगाह कौन सा है नहावा सेवा मुंबई अगर हम बात करते हैं आगे वाली दिशा पूर्व होती है पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है तो जो मुंबई बंदरगाह है याद रखिएगा भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार है भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहते हैं भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार तो भारत का अगर पश्चिमी प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार कौन सा है मुंबई है नहावा सेवा नहावा सेवा ए, एक मानो निर्मित बंदरगाह है साथ ही साथ भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है जब मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने लगी तो इस बंदरगाह का विकास किया गया और याद रखना है इसके बारे में क्या इसका एक नाम और है जे एल एन है है, जे एल एन, एन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम क्या है इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और यह एक मानव निर्मित बंदरगाह बंदर है? बंदर है।, बंदर है कैसा बंदरगाह है मानव निर्मित बंदरगाह मानव निर्मित बंदरगा कैसा बंदरगाह है तो यह है एक मानव निर्मित बंदरगाह है याद रखिएगा ठीक है साथ ही साथ अगला देखिएगा यहाँ पर गोवा राज्य है यहां पर कौन सा राज्य है गोवा और गोवा में जो बंदरगाह है पिंक कलर से बना रहा हूं मैं इस बंदरगाह का नाम है मारमा गोवा इस बंदरगाह का नाम क्या है इस बंदरगाह का नाम है मारमा गोवा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है मारमा गोवा तो बंदरगाह ना लिखू बंदरगाह तो हम पढ़ ही रहे हैं ठीक है बंदरगाह गोवा के दक्षिण में कौन सा है यहाँ पर गोवा के दक्षिण में यहाँ पर जो राज्य है इस राज्य का नाम है कर्नाटक और कर्नाटक में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है मंगलौर बंदरगाह यहाँ पर जो बंदरगाह है इसका नाम है मंगलौर बंदरगाह है कौन सा बंदरगाह है मंगलौर बंदरगाह उसके बाद यहाँ पर केरल है केरल में जो बंदरगाह है इस बंदरगाह का नाम है कोचीन बंदरगाह केरल में जो बंदरगाह है इस बंदरगाह का, का नाम है कोचीन बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह और कोचीन को ही कोची कहते हैं चाहे तो कोचीन कहिएगा या फिर इसी को कहिएगा कोची या कोचीन तो देखिएगा अभी तक मैंने एक दो तीन चार पाँच पाँच लिखा है आपको ठीक है पाँच नहीं छः लिखाए होंगे एक दो तीन चार पाँच छः छः बंदरगाह पश्चिमी तट पर है आइएगा यहाँ देखिएगा पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दो बंदरगाह हैं एक बंदरगाह का नाम है कलकत्ता यानी कोलकाता जब कोलकाता बंदरगाह पर अत्यधिक भीड़भाड़ होने लगी तो यहीं पर एक और बंदरगाह का विकास किया गया जिसका नाम है हल्दिया यहाँ पर एक और बंदरगाह का विकास किया गया जिसका नाम है हल्दिया कोलकाता बंदरगाह इसे भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार पूर्वी प्रवेश द्वार भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार तो अगर भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा जाए तो इसका नाम क्या है इसका नाम है कोलकाता बंदरगाह भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के जस्ट दक्षिण में यहाँ पर उड़ीसा है और उड़ीसा में जो बंदरगाह है इसका नाम याद रखिएगा इसका नाम है पारा द्वीप कौन सा है पारा द्वीप पारा द्वीप महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है वर्तमान में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वर्तमान में क्या है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है इसको भी याद रखिएगा भारत का सबसे गहरा वंदरगाह का नाम बताइएगा तो इसका नाम है पाराद्वीप ठीक है उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश राज्य में अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है यहाँ पर जो आपको याद रखना है इसका नाम है विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम माफ कीजिएगा एक एक गलती हो गई मुझसे भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वर्तमान में वो विशाखापत्तनम है मैं गलती से आपको ये बता दिया पाराद्वीप नहीं वर्तमान में भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापत्नम है ये छोटी सी गलती के लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा पाराद्वीप नहीं बल्कि भारत का सबसे गहरा विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश के बाद यह जो क्षेत्र है यह तमिलनाडु का है तमिलनाडु में एक बंदरगाह है इस बंदरगाह का नाम है चेन्नई जब चेन्नई बंदरगाह पर अत्यधिक भीड़ भाड़ होने लगी तो यहीं पर एक नए बंदरगाह का विकास किया गया एन्नौर और एन्नौर के साथ ही साथ यहाँ पर एक और बंदरगाह है जिसका नाम है तूती कोरन जिसका नाम क्या है जिसका नाम है तूती कोरन है ना ये तीनों बंदरगाह जो हैं ये तीनों बंदरगाह आपके तमिलनाडु राज्य में है आप काउंट कर लीजिएगा ये सौ तेरह बड़े बड़े बंदरगाह मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं ये तेरह तेरह बड़े बड़े बंदरगाह मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितने बंदरगाह हैं तो बंदरगाहों की संख्या है तेरह ठीक है बंदरगाहों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर जो बंदरगाह है इन बंदरगाहों की संख्या है तेरह ठीक है अब देखो इन तेरह बंदरगाहों में से चार बंदरगाह ऐसे हैं जो प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण है किसके उदाहरण है प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण है प्राकृतिक बंदरगाह ऐसे बंदरगाह जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया हो और प्राकृतिक बंदरगाह को ही ज्वारी बंदरगाह के नाम से जानते हैं तो चाहे तो आप क्या नाम दीजिएगा चाहे नाम दीजिएगा प्राकृतिक या फिर क्या कहिएगा या फिर कहिएगा ज्वारीय प्राकृतिक या फिर ज्वारीय बंदरगाह प्राकृतिक या फिर कौन से ज्वारीय बंदरगाह तो प्राकृतिक या ज्वारीय बंदरगाह के अंतर्गत चार बंदरगाह आते हैं ये चार बंदरगाह कौन से हैं तो ये चार बंदरगाह है पहला बंदरगाह हो गया इस पहले बंदरगाह का नाम कारणडला। कारणडला, है कांडला दूसरा कांडला दूसरा बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह है इसका नाम क्या है मुंबई तीसरा बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह है इसका नाम है कोचीन या कोचीन कोचीन कहिएगा या कोची कहिएगा और चौथा जो है इसका नाम क्या है इसका नाम है विशाखापत्तनम इसका नाम क्या है इसका नाम है विशाखापतनम क्या नाम है इसका नाम है विशाखापत्नम ठीक है ये चार बंदरगाह कैसे बंदरगाह है ए प्राकृतिक या प्राकृतिक को ही ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा क्लियर अब एक परिवहन का साधन हमारा और बचता है वायु परिवहन कौन सा परिवहन वायु परिवहन स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिएगा इसका चलिए अगर हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो सबसे महंगा परिवहन का संसाधन है वायु परिवहन और पूरे विश्व में और भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष उन्नीस में हुई थी वर्ष उन्नीस में वर्ष उन्नीस में इलाहाबाद से नैनी के मध्य 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 पहली वायु परिवहन सेवा पहली वायु परिवहन सेवा पहली वायु परिवहन सेवा प्रारम्भ की गई थी पहली वायु परिवहन सेवा प्रारंभ की गई थी ठीक है अब आप स्वयं से बताइएगा जब पहली पहली बार वायुयान उड़ाया जा रहा है मैं कहूँ कि मैं वायुयान उड़ाऊंगा आप मुझसे पूछेंगे ना कि पहली बार है मैं कहूँगा हाँ तो आप उसमें बैठना चाहेंगे नहीं तो जब पहली वायु परिवहन सेवा प्रारंभ की गई तो इसमें कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं चाह रहा था डर लग रहा था हर किसी को कि अंतरिक्ष में जाएंगे पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा है ना तो फिर इसमें ये कहा गया कि खाली तो वायुयान को जाने नहीं देंगे तो इसका उपयोग डाक पत्रों को ले जाने के लिए किया गया था आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन है एसएमएस भेज देते हैं हम मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप स्नैपचैट के माध्यम से लेकिन पहले डाक पत्र चलते थे है ना तो इस वायु परिवहन सेवा का अगर पूछा जाए 1911 की वायु परिवहन सेवा का क्या उपयोग था तो याद रखना इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग डाक पत्र को ले जाने के लिए 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 किया गया था इसका उपयोग किसको ले जाने के लिए किया गया था डाक पत्र को ले जाने के लिए किया गया था इतनी बात याद रखिएगा अब वायु परिवहन से सर और कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वायु परिवहन से आप लिखते रहिएगा और वायु परिवहन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हवाई अड्डे आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है है ना ये सारी बातें पूछी जाती हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के नाम लिख रखे हैं जो बार बार आपसे किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो पहला है छत्रपति सॉरी पहला है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है आपका दिल्ली में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपका मुंबई में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपका हैदराबाद में है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में सरदार पटेल वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची और साथ ही साथ वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है आपका पोर्ट ब्लेयर में है यहाँ पर मैंने सात आठ जो लिख रखे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है चौदह उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में दो है अभी तो एक लखनऊ में है जिसका नाम क्या है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वाराणसी में साथ ही साथ कुशीनगर में और आपके कहां पर ग्रेटर नोएडा के बेबर में हवाई अड्डे बनाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं यह योजना प्रस्तावित है, है। रायबरेली में एक जगह है फुर्सतगंज ये फुर्सतगंज जगह जो है याद रखिएगा रायबरेली में है और राय वरेली के फुरसतगंज में विमान विमानपत्नम विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा है अगर आपको विमानों से संबंधित शिक्षा दीक्षा लेनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? तो पर राय वरेली के फुरसतगंज में ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा पूछा जाता है तो इस प्रकार से आज मैंने आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के परिवहन व्यवस्था भारत के परिवहन या संसाधन परिवहन संसाधन को कंप्लीट किया है प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर मिलता है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये जो ई है ये भी मैं आपको भेज दूंगा साथ ही साथ जो आपकी पी होती है वह भी आप तक पहुंच जाएगी ठीक है आज ही रखते हैं इसके आगे कल मुलाकात करते हैं फिर से धन्यवाद